चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार, आज के शिक्षा जगत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि कुछ जानकारी हासिल करना, ये स्वभाव बचपन से उसके जीवन में रहता है और इसी के चलते शोध और आविष्कार हम हर क्षेत्र में देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीवन की, तो उसमें भाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। मानव जीवन में भाषा बहुत अधिक महत्व रखती है और जीवन में समाज की एक आधारशिला होती है। आज इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की और अन्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा में वैश्विक परिवेश में हम बात करेंगे कि संस्कृत भाषा का कैसे वैश्विक समावेश हुआ है अन्य भाषाओं में। तो आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए कुछ खास मेहमानों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप मिलिए रविदत्त शर्मा जी से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट। आप ही के साथ हैं हजारी लाल बैरवा जी, आप हैं प्राचार्य राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय लालसोट तालगांव उसके। उसी के साथ हमारे साथ हैं आज एक और ख़ास मेहमान कर्नल पूरन सिंह राठौर जी, आप हैं रिसर्चर और स्कॉलर, आपने रिसर्च करी है बेहद इंटरेस्टिंग फ्रेंच में राजस्थानी भाषा का असर। और आज आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियोज़ में। सबसे पहले रविदत्त जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि फ्रेंच भाषा के आप एक्सपर्ट हैं, तो फ्रेंच आज ग्लोबल लेवल पर क्या स्टेटस रखती है और क्या मकाम रखती है? आज अगर हम फ्रेंच भाषा का स्तर देखें तो फ्रेंच भाषा कम से कम 23 कंट्रीज़ में ऑफिशियली बोली जाती है जी, और उनमें से 23 के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्रेंच भाषा प्रयोग में ली जाती है, जिसमें कि हम अगर बात करें तो कनाडा इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कंट्री इन विच फ्रेंच इज़ अ वेरी नोन, वेरी वेल नोन लैंग्वेज। और अगर हम और ग्लोबलाइजेशन में बात करें तो फ्रेंच भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब फ्रेंच भाषा का इतना योगदान है और इतना प्रसार प्रचार हमने देखा है, तो संस्कृत भाषा जो कि अन्य भाषाओं की, सारी विदेशी भाषाओं की जननी है, तो उस पर हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें हजारी लाल बैरवा जी के, संस्कृत कितने समृद्ध भाषा है? ईरम जी, संस्कृत अपने आप में बहुत प्राचीन भाषा है और ऐसा मानते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। तो संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संस्कृत पहले से चल रही थी भाषा और संस्कृत से ही सारी भाषाएं जनरेट हुई है। संस्कृत सब भाषाओं की, सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृतम, ऐसा उल्लेख मिलता है। और चरित्र निर्माण को लेकर के और ग्लोबलाइजेशन को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम, यह हम सब लोग जानते हैं, संस्कृत एक वर्ग विशेष की, जाति विशेष की, क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, यह संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली भाषा है। और आज जो भौतिकवाद चल रहा है जी, उसका समाधान यदि देखा जाए तो संस्कृत में मिलता है। करैक्टर निर्माण, चरित्र का जो निर्माण है वो संस्कृत के माध्यम से ही देखा जा सकता है। बिल्कुल। और संस्कृत की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे पाणिनीय व्याकरण संस्कृत का सबसे मजबूत, सबसे वृहद, बड़ा, व्यापक, ये सब है। बिल्कुल। संस्कृत का जो उन्होंने व्याकरण की रचना की वो 14 सूत्रों के आधार पर की, और 14 सूत्र के आधार पर प्रत्याहार संरचना, संधि, समास इत्यादि सारा फिर गहराई में चले जाते हैं। तो ये जो 14 सूत्र हैं, ये इस तरह के वैज्ञानिक 14 सूत्र हैं कि यदि इनका भी स्मरण करे, उच्चारण करे, तो हमारी लैंग्वेज ठीक होती है उससे। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल। ये प्रयोग करके भी देखा है, कई वैज्ञानिकों ने किया है, और इसी के कारण से आज नासा वगैरह में संस्कृत की डिमांड बढ़ी है। बिल्कुल। कंप्यूटर पर ये उपयुक्त भाषा पाई गई है। और संस्कृत का हम देख रहे हैं प्रचार और प्रसार उसकी तेजी से हो रहा है। यहीं पर मैं कर्नल पूरन चंद जी आपसे बात करना चाहूँगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है फ्रेंच और अन्य भाषाओं को लेकर और बहुत सारे शब्द खोजे हैं, तो आज शिक्षा जगत के जो
दर्शक हैं उनको आप बताइए कि आपने किस तरह का स्वरूप पाया अपनी रिसर्च के दौरान, भाषाओं में और संस्कृत में उसका क्या भूमिका रही? मैंने फ्रेंच भाषा ज़्यादा सीखी जी, और फ्रेंच भाषा सीखते जो शब्द मेरे सामने आए तो मुझे एकदम लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये शब्द साथ में उसी भाषा में जो मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रेंच जो हमसे करीब 10,000 किलोमीटर दूर है फ्रांस, यहाँ से फ्रांस में वो के वो शब्द हैं जो यहाँ हैं, संस्कृत तो है ही, उसके साथ में जो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं वो भी उसमें मुझे मिले, तो मैं इसको नोट करने लग गया। शुरू शुरू में तो लगा कि शायद हो सकता है कोइंसिडेंस है, मिलते होंगे, पर जब कई शब्द आने लगे जैसे साल, शाला से बना हुआ साल शब्द है अपना कमरे के लिए, वहाँ साल बोलते हैं, साला मोंजे डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल, अच्छा जो वो हैट लगाते हैं उसको वो शापो बोलते हैं, अपने यहाँ साफा होता है, शब्द मिलता है, वही हेड गियर है, दोनों जगह एक सी चीज़ है। सो ऐसे करके, बट कई जैसे घर में रह के जो शब्द किताबों में नहीं लिखे हुए हैं, जैसे बिल्ली को वो बोलते हैं मिन्यू, और यहाँ पे हम उसको मिन्नी बोलते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ज़रूर कोई फ्रांस और हमारा संबंध है पुराना। अब जब भी किसी से इस चीज इस बात का जिक्र करते हैं तो रिएक्शन ये आता है कि आर्य बाहर से आए थे क्योंकि ऐसा पढ़ा दिया गया है, और मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आर्य बाहर आए तो उनको संस्कृत से जोड़ा गया है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि राजस्थानी शब्द वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये प्रवाह उल्टा है, भारत से लोग बाहर गए हैं, एंड ज़रूर ऐसा कोई संबंध है जिसको और गहराई से खोजना है, पर भाषा से तो इतना संकेत मिलता है कि हमारे शब्द का असर वहाँ पे है। ये केवल फ्रांसीसी भाषा में नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर की और भाषाएं आती हैं, तो जर्मन भाषा में जैसे आखेट मिलता है, तो आखेट का वहाँ पे तीनों अक्षर या तीनों जो है वो बदली हो गए ध्वनियाँ, और वहाँ हो गया याग्द, ठीक है, आखेट का याग्द बन गया। जैसे बावन शब्द से बौना बना हुआ है अपना, वो स्कॉटलैंड में उसको पोनी बोलते हैं, ठीक है, बौना से बोनी, नहीं बोनी बोलते हैं, सॉरी, पोनी अंग्रेजी में हो गया जो छोटे घोड़े के लिए बोला जाता है, राइट। सो इस तरह के शब्द हैं, और लेडी जो शब्द है उसका उच्चारण दोनों वेल्श भाषा और स्कॉटिश भाषा में लाडी है, बिल्कुल, ये लाडी अपना शब्द है, लाड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको गहराई में अब जब जाएंगे तो पता चलेगा, जो हम क्योंकि उस गहराई से पढ़ते नहीं हैं, हम केवल एक भाषा सीख लेते हैं, बट क्योंकि मेरे सामने वो कुछ राजस्थानी शब्द आए तो मेरा इसमें इतना रुचि इसमें इतनी बढ़ी कि मैं उसको खोदता गया। बहुत शब्द हैं, अभी मेरी लिस्ट 400 शब्द है। बिल्कुल पूरण सिंह राठौड़ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी जो बात है वो संस्कृति का आदान प्रदान तो हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करें, वर्तमान परिपेक्ष में हम अगर बात करें, तो रविदास जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि फ्रेंच जो है वो आज इतनी तेज़ी से फैल रही है, हम नेशनल लेवल की बात करें, रीजनल लेवल की बात करें, हर जगह फ्रेंच का प्रसार हो रहा है, बच्चे खास उत्साहित हैं, ना सिर्फ बच्चे, युवा वर्ग, हर वर्ग इसमें देखने को मिलता है, तो क्या कारण है फ्रेंच के इतने तेजी से फैलने का ग्लोबल लेवल पर? सबसे पहली बात तो फ्रेंच बिल्कुल नीचे स्तर से हम लोग पढ़ा रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स को, अगर आप देखेंगे तो सारे स्कूल्स में आजकल फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है, इवन फिफ्थ क्लास से स्टूडेंट पढ़ना चालू करते हैं, दे आर लर्निंग टिल 10th 12th। तो उसका प्रसार का मेन कारण यही है कि एक तो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है, उनको हायर एजुकेशन के लिए जो प्रमोशन देती है फ्रेंच गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप्स वगैरह देती हैं जो कि जिससे वो बाहर जाकर मास्टर्स कोर्सेज करते हैं, यूजी लेवल के कोर्सेज करते हैं, एंड व्हेन दे स्पीक फ्रेंच तो उनको एक एडिशनल एडवांटेज है, बिकॉज दैट इज़ अ फ्रेंच, फ्रांस में तो फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, तो उनको एडिशनल एडवांटेज ये है कि वो पहले से अगर सीख कर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, ना तो कोर्स में, एंड दे हैव डिजाइंड द कोर्स फॉर देम इन इंग्लिश एज वेल, सो naturally the students would like to go abroad. जी. Immigration बहुत ज़्यादा बढ़ गया है Canada के लिए, so students are learning for Canada. आप अगर जयपुर में बात करें तो मे बी सर ने जैसे बोला कि हो सकता है राजस्थान इसलिए अट्रैक्ट कर रहा हो बिकॉज द वर्ड्स आर सो सिमिलर, तो टूरिज्म के लिए बहुत स्टूडेंट्स इसलिए सीखते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन का काम करते बिल्कुल. हैं, वो गाइड बनते हैं, बिल्कुल. तो हमेशा से ये
शुरू से ही राजस्थान एक अट्रैक्शन रहा है फ्रेंच लोगों के लिए, सो मेनी टूरिस्ट विजिटिंग जयपुर, और इसीलिए फ्रेंच का रुझान बहुत ज़्यादा है। टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें, टूरिज्म क्षेत्र की इंडस्ट्री एक कारण है, उसके साथ बहुत सारे कारण आपने गिनवाए, पर यही बैरवा जी से हम जानना चाहेंगे कि सर, संस्कृत भी एक बहुत लोकप्रिय भाषा है, लोकप्रिय रही, आज हम देखें ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी कुछ इसको सीखने में ललक देख रहे हैं हम उनकी, तो संस्कृत की विशेषताएँ आप बताइए और क्यों इस तरह से आपको संस्कृत में जो अट्रैक्टिव भाषा है वो आज कैसे अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई है संस्कृत। ईरम जी, संस्कृत प्रारंभ से ही प्रभावशाली भाषा रही है और ज्ञान विज्ञान सब इसी में से निकला है, साइंस इन संस्कृत। और ये अभी जो योग का चल रहा है, योग को आरोग्य का जनक माना है जी, स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। ये योग का जो शास्त्र है वो संस्कृत में ही मिलता है, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की संरचना की। तो योगस आरोग्यस्य मूलम योगम, योगस्य मूलम संस्कृतम, संस्कृत ही इसका मूल है जी। और ज्योतिष शास्त्र को हम देखें तो यह संस्कृत में ही पाया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लीजिए जी, यह भी संस्कृत में ही मिलता है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कंप्यूटर जो आज ग्रहण करने की स्थिति में है वो सबसे शुद्ध भाषा और परिष्कृत भाषा के रूप में संस्कृत को देखते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को। और जर्मनी में विशेष मांग है इसकी, जर्मनी में कई कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ से पढ़ाने वालों को भी मांगते हैं वो, कई लोग गए भी हैं भारत से संस्कृत पढ़ाने के लिए, जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो यह जो संस्कृत का है, योग का बताया मैंने, पांडुलिपियों में जो है रिसर्च हो रहा है, यहाँ अपने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, रामानंदाचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें जो है योग पर बीएससी की डिग्री भी मिलती है, एमएससी की भी मिलती है, पीएचडी की भी मिलती है, बिल्कुल, और पांडुलिपियों में भी शोध हो रहा है। इसी तरह से जेएनयू जो दिल्ली है, जाना माना विश्वविद्यालय है, विगत 20 वर्षों से वहाँ संस्कृत का केंद्र स्थापित है और वहाँ के पढ़े हुए जो स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं, बिल्कुल। और अभी पिछले वर्षों में देखते हैं हम तो थाईलैंड में संस्कृत का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, कनाडा में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कई देशों में संस्कृत के विश्व सम्मेलन हुए हैं और जिसमें संस्कृत को सभी ने ग्राह्य माना है। और संस्कृत जो है चरित्र निर्माण में या डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है। उदाहरण अगर हम देखें तो महाभारत काल में डिप्रेशन में अर्जुन था, अर्जुन का डिप्रेशन संस्कृत के माध्यम से ही गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दूर किया गया और वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए और फिर बाद में तैयार हुए। तो आज जो ये डिप्रेशन का चल रहा है, कोटा में अच्छा शिक्षण का सेंटर माना जाता है, लेकिन आए दिन सुनते हैं हम वहाँ के विद्यार्थी जो है किसी का चयन नहीं होता तो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब का समाधान संस्कृत में है, बिल्कुल। संस्कृत कंप्यूटर के लिए लिंग्विस्टिक भाषा है, तो जेएनयू में भी स्थापित है इसका, अन्य विश्वविद्यालयों में भी है, अपने इसरो में भी है, नासा में भी है, बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नासा की ग्लोबल इंक्लूजन हो रहा है संस्कृत का, वहीं पूरनचंद जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी इंटरेस्टिंग जो रिसर्च करी उसके दौरान संस्कृत का कैसा स्वरूप पाया? संस्कृत तो जैसे बिल्कुल, अब मैं बोलता हूँ कई बार होता है ना कि ये ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है, पर अब मुझे लगने लगा है कि अंग्रेजी अगर मैं बोल रहा हूँ तो संस्कृत की अनेक बोलियों में से एक बोली में बोल रहा हूँ, सो अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई भी विदेशी भाषा बोलने में, मेरा ऐसा मानना हो गया अभी जी। पर जैसे एक बार मैंने हॉलैंड का किसी से एड्रेस पूछ रहा था मैं, तो उसमें जो गली का नाम था वो था सिंट मार्टिन उसलान, ऐसा बताया गया। तो इसमें सिंट संत है, मार्टिन नाम है, लान भी मेरे समझ में आ गया क्योंकि अंग्रेजी में लेन शब्द होता है गली के लिए, पर ये उस लान क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये सवाल उठाया और उनको नहीं पता था कि ऐसा ही बोलते हैं वहाँ पे। बट बाद में समझ में आया कि जैसे संस्कृत में पता नहीं कौन सी विभक्ति में होता है, राम का अगर हम बोले तो रामस्य बोलते हैं, रामस्य, वैसा का वैसा ये
मार्टिनोस होना चाहिए राइट, पर वो उस लाइन वहां जोड़ रहे हैं, गलती से जोड़ रहे हैं या पता नहीं जी। तो जो भी है, और उसी समय मुझे समझ में आया कि जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं पीटर्स जॉन्स, ये भी तो यही है, रामस्य वाला ही वो का वो रूप है जो वहां पे है। सो एक तो ये, दूसरा जो फ्रेंच भाषा जहां सीखी मैंने, फ्रेंच में जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं मूलभूत जो क्रिया होती है वो है होना, मैं हूँ, आई एम। एक यूरोपियन भाषा में टू हैव वाला भी होता है जो अपनी भाषाओं में नहीं है। सो इसको संस्कृत में अस धातु बोलते हैं। अब अस धातु के जो वो रूप होते हैं उसमें आप चलेंगे पुरुष से, तृतीय पुरुष, प्रथम पुरुष, नहीं उसमें वहां तृतीय पुरुष नहीं होता, वहां प्रथम पुरुष, द्वितीय और उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन को उत्तम बोलते हैं। फिर वहां पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। सो फ्रेंच में द्विवचन नहीं है। ऑलराइट, अब हम एक वचन दो वचन लेते हैं, जैसे प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, वहां संस्कृत है अस्ति, फ्रेंच है ई एस टी, राइट, प्लूरल है संति, फ्रेंच है एस ओ एन टी, राइट, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, इसमें अब आते हैं मध्यम पुरुष पे, वहां है त्वम असि, फ्रेंच है ई एस, तो ई की मात्रा गायब हुई है खाली। और बहुवचन में है आप हैं, तो स्तः शब्द काम आता है। अब वहां पे ये स गायब हो गया है, वहां पे एत जिस तरीके से लिखा गया है, ई के ऊपर एक मात्रा आती है जिससे संकेत ये मिलता है कि इसके आगे वाली ध्वनि गायब हो चुकी है और उसका जोर इस पे आ रहा है, तो वो ऐसा एक निशान बनाते हैं उस पे, तो वो गायब, जो स गायब हुआ है उसका संकेत भी मिल रहा है। अब आते हैं उत्तम पुरुष पे, प्रथम यानी फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी वाला। सो उसमें इन्होंने जो एक पुरुष है, एक वचन, सॉरी, एक वचन के साथ वाला शब्द वो इन्होंने छोड़ दिया और यहाँ उन्होंने द्विवचन वाला लिया है। द्विवचन में है स्वः, उन्होंने कर दिया स्वी, राइट, जे स्वी बोलते हैं, मैं हूं। और जो हम है उसमें संस्कृत का शब्द है स्मह और वो बोलते हैं सम। तो मतलब एक जो बेसिक जो वर्ब होना चाहिए किसी भाषा का जी, वो पूरा का पूरा संस्कृत से नकल कर रखा फ्रेंच में और पूरा मौजूद है फ्रेंच में। सो इस हद तक फ्रेंच क्या संस्कृत का असर इन भाषाओं में है। बिल्कुल, और इतना इंटरेस्टिंग वे में आपने हमें बताया है, तो वही जब हम फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो क्यों ना रवि से जाने कि फ्रेंच में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, कौन कहाँ से इंस्टीट्यूट से वो कर सकते हैं, और कौन कौन से कोर्सेज के साथ साथ एकेडमिक डिग्रीज भी जो हैं वो ले सकते हैं आजकल। आजकल एक तो यूनिवर्सिटीज सब प्रोवाइड करती हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, देन दे हैव द मास्टर्स प्रोग्राम, दे कैन इवन डू द रिसर्च, तो रिसर्च वर्क भी करके पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा फ्रेंच एम्बेसी जो रन करती है, तो फ्रेंच एम्बेसी जी, फ्रेंच एम्बेसी अगर बात करें तो आप वो रन करती हैं कोर्सेज डेल्फ के, डेल्फ A1, A2, B1, B2 जो कि वो इंटेंसिव लेवल पर कोर्सेज कर सकते हैं, और इंटेंसिव लेवल में वो एक डेढ़ साल में उन कोर्सेज को करके दे कैन गेट अ डिप्लोमा, डिप्लोमा कोर्सेज उनको डिप्लोमा मिल जाते हैं एक डेढ़ साल में, उनका ऐसा लेवल हो जाता है कि उनको मल्टीनेशनल कंपनीज दे एब्जॉर्ब। बिल्कुल, तो इतना लुक्रेटिव, एक इतना अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है फ्रेंच भी आज के ग्लोबल लेवल पर हम बात करें, जहाँ साइंस टेक के कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ लिंग्विस्टिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत कितना उसमें अहम भूमिका निभा सकता है, और संस्कृत कितनी प्राचीन होने के बावजूद हम हमारे देश में देखते हैं कि थोड़ी सी उदासीनता है, पर उस सिलसिले में बात करेंगे। पर सबसे पहले बैरवा जी से हम जानेंगे सर, संस्कृत को लेके कौन कौन से कोर्सेज हैं और जो अभी चल रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स में अभी जो है जी। संस्कृत के माध्यम से और संस्कृत भाषा के आधार पर कई कोर्सेज यहाँ राजस्थान में भी चल रहे हैं और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, बिल्कुल ये भी चल रहे हैं जी। आपके पौरोहित्य का डिप्लोमा कोर्स चलता है, ज्योतिष का चलता है, वास्तुशास्त्र का चलता है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के समय को देखते हुए। जी, जी, जी। हर कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र के हिसाब से नक्शा तैयार करवाता है, तो संस्कृत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसमें
दसवीं क्लास को प्रवेशिका बोलते हैं जो संस्कृत माध्यम से होता है, बारहवीं क्लास को वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं जो संस्कृत माध्यम से होता है, डिग्री को शास्त्री बोलते हैं जो संस्कृत माध्यम से होता है, पीजी को आचार्य बोलते हैं जो संस्कृत माध्यम से है, और पीएचडी ये विद्यावारिधि होता है और डीलिट वगैरह सब होते हैं इसमें। और इसकी अनेक अपने विश्वविद्यालय हैं जो इन पाठ्यक्रमों को चलाते हैं। एलबीएस विद्यापीठ है, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली में है, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इसकी 16 ब्रांच है पूरे भारत में, और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है जगत गुरु रामानंदाचार्य, ये अपने जयपुर में ही स्थापित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, संस्कृत का केंद्र रहा है, और जयपुर को तो अपराकाशी के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत के कारण से ही अपराकाशी के रूप में इसको प्रतिष्ठा मिली है। और अपने BHU हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी संस्कृत का विशेष केंद्र स्थापित है जहाँ सारी डिग्रियाँ और डिप्लोमा रिसर्च ये सब होते हैं। और JNU में तो पत्रकारिता से संबंधित भी संस्कृत में कोर्सेज चालू किए हैं, और वहाँ पे भारतीय ही नहीं विदेश के लोग भी आकर के वहाँ अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से BHU में और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, इनमें कई विदेशी छात्र पढ़ने वाले मिलते हैं। बिल्कुल, और अनेक सम्मेलन भी हुए हैं, ये भी देखने को मिलता है। और प्रायोगिक तौर पे जो है वास्तु और ज्योतिष पौरोहित्य ये चल ही रहा है, तो रोजगार के सृजन को देखते हुए भी इसमें काफी संभावनाएं हैं। जी जी जी। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो मैनेजमेंट जो है वो संस्कृत का व्यक्ति या संस्कृत भाषा के माध्यम से बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। वो तनाव में नहीं आता, डिप्रेशन में नहीं आता। बहुत सही बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। यहीं पे मैं पूरनचंद जी आपसे जानना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में आप हमें बताइए कि संस्कृत को लेकर अगर हम बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी उदासीनता देखने को मिलती है, तो क्या वजह है और इसको कैसे हम और अट्रैक्टिव बना सकते हैं जो आपने अपने रिसर्च के दौरान खोजी? जो ये समझ में आता है कि संस्कृत की अहमियत तो है, और जर्मनी का इसमें विशेष उदाहरण है, इतनी यूनिवर्सिटीज में वहाँ पढ़ाई जाती है, वो इस पर काम कर रहे हैं गहराई से, नासा इस पर काम कर रहा है। एक कहीं सम्मेलन था जिसमें अपनी विदेश मंत्री जो थी सुषमा स्वराज, उनको सम्मानित किया गया, उन्होंने उस भाषण दौरान बोला कि हमें 1000 ऐसे छात्र तैयार कर लेने चाहिए जो हम अमेरिका जब भी मांगे दे सके। प्रॉब्लम ये लगता है मुझे, अमेरिका मांगे हम दे सकते हैं, पर हम उनको यहाँ क्यों नहीं काम ले सकते, हम वो काम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। उसके पीछे कारण क्या दिखता है, शायद कि अमेरिका से शेल्डन पोलॉक नाम का एक आदमी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो डेथ ऑफ संस्कृत जैसे आर्टिकल लिखता है, तो प्रचार ऐसा चलता है कि संस्कृत खत्म है यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो उदासीनता मुझे लगता है पश्चिमी प्रचार की वजह से यहाँ पे बढ़ रही है। जी जी। जो हमें करना चाहिए, और वो जो कई चीजें जो गलत कर रहे हैं उसमें ये है कि हमें संस्कृत सिखानी चाहिए, सॉरी संस्कृत तो सिखानी चाहिए, पर जो संस्कृत विश्वविद्यालय अपने हैं उनके साथ में विदेशी भाषा जोड़नी चाहिए, और दूसरी तरफ कंप्यूटर जोड़ने चाहिए, ताकि ये संस्कृत पढ़ने वालों के लिए नौकरियां पक्की हो जाए। बिल्कुल, और इसको बढ़ावा मिले, बहुत अच्छा बढ़ावा मिले। रविदत्त जी, आप संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे चलते चलते संस्कृत के ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेकर, संस्कृत के समावेश को लेकर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर के कहने से कि संस्कृत और विदेशी भाषा को मिला के जब अगर किसी को पढ़ाएंगे विद्यार्थियों को, तो उनके जॉब पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उन दोनों भाषाओं को मिला के कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों भाषा को मिला के उसको सिखाना चाहिए। बिल्कुल, दोनों भाषा को सिखाना चाहिए, दोनों को मिलाना चाहिए, और वैश्विक परिवेश में संस्कृत भाषा का समावेश बहुत ज़रूरी है। और आज हमने देखा हमारे डिस्कशन से कि किस तरह से संस्कृत समावेश हो चुकी थी प्राचीन कालों से, और किस तरह से आज फॉरेन लैंग्वेज में संस्कृत का असर हमें देखने को मिल रहा है। पर देखने वाली बात ये होगी कि कब इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलता है। जो मंजिल की चाह रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। इसी संदेश के साथ अब इरम तस्लीम को दीजिए इजाज़त, शिक्षा जगत के कई और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लेकर हाजिर होंगे, तब तक लिए नमस्कार।